स्वागत है मित्रों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार आप सभी को। अपने इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आपकी CTET आगामी जो आने वाली परीक्षा है, या अगर आप मध्य प्रदेश TET की बात करते हो जिसकी परीक्षा आपकी सितंबर में होने वाली है, उसके लिए यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की बात करोगे, जब आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिएगा सारे बिंदु को अच्छी तरीके से समझने के लिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ पा रहे होंगे, आंशिक पुनर्बलन लिखा है यहाँ पे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा दिया है इसमें कि पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। आगे दिया है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, और फिर इन्होंने बोला है कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। जब आप इस सवाल के आंसर को लेकर के बात करते हो, आपको मैं बता दूं, जैसे एक बड़ी सी समस्या होती है, जब आप उसे छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हो, या फिर जब आप उसे धीरे धीरे करने की अलग अलग पार्ट से लेकर के या पार्ट को लेकर के सॉल्व करते हो, तो वो सबसे बेस्ट उसका सॉल्यूशन होता है, या सबसे अच्छे तरीके से वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप आंशिक पुनर्बलन की बात करते हो, एक सतत पुनर्बलन की अपेक्षा, ठीक है, मतलब एक पार्शियल रीइन्फोर्समेंट की जब आप बात करते हो, एक कंटिन्यूस रीइन्फोर्समेंट के मुकाबले, तो पार्शियल वाला जो है वो ज़्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि आप आंशिक रूप से अंशतः उस समस्या का सॉल्यूशन है, या उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आप खोज रहे होते हो। यहाँ पर क्या होता है, आंशिक पुनर्बलन को आप ऐसे परिभाषित कर सकते हो कि अनुक्रिया के बार बार दोहराने की संभावना बढ़ जाना। अनुक्रिया मतलब होता है रेस्पॉन्स, ठीक है, कोई भी चीज़ किसी के रेस्पॉन्स को बार बार आने की या करने की संभावना अगर बढ़ जाती है, तो उसे आप आंशिक पुनर्बलन में रख देते हो। ऐसे में जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो तीसरा आएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे में इन्होंने बोला है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं या शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। आपको मैं बता दूं, हिंदी के कुछ टैग वर्ड्स मैंने जो है का वीडियो मैंने बनाया था, CDP और EVS के टैग वर्ड्स के वीडियो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे, जहाँ से उन वर्ड्स वो वर्ड जब आपको देखने को मिले, तो आप उनको इग्नोर करिएगा, करना है उनको शामिल करना है, वो आपको वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो वो जल्दी ही टैग वर्ड्स में लेकर के आऊँगा। जैसे भी उन्होंने प्रतिभाशाली विद्यार्थी की बात की है, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी उभयमुखी या बहिर्मुखी प्रकार का होता है, ना कि अंतर्मुखी प्रकार का, ठीक है। अंतर्मुखी प्रकार के तो बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप में डूबे रहते हैं, किसी से बात ना करना एक तरीके से, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस ना करना, एक तरीके से रिप्रेजेंट ना करना किसी के सामने, ये कुछ उनके गुण देखने को मिलते हैं। इसमें लिखा है दूसरा पॉइंट, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। अगर प्रतिभाशाली हैं तो उनमें ये गुण नहीं होगा, वो अपनी बातों को कह लेते हैं, ये पॉइंट भी कहना गलत होगा। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, जरा चौथा देख लेते हैं। दोस्तों किसी भी प्रकार का बालक क्यों ना हो, चाहे वो आपका 90 से कम IQ का हो, चाहे 90 से 110 सामान्य IQ में आए, या फिर 110 से ऊपर वाले में आए, शिक्षक तो उसके ऊपर रहेगा ही रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि वो शिक्षक से स्वतंत्र है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि वो प्रतिभाशाली है, क्योंकि वो एक अपसारी प्रकार का चिंतन रखते हैं, क्योंकि वो रचनात्मकता में विश्वास करते हैं, क्योंकि वो नवीनता को लेकर के आते हैं। तो आप इन सब सारी चीज़ों को इसमें शामिल कर सकते हो। आंसर आपका दूसरे का तीसरा आएगा। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, तनाव को कम करने के लिए करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं, समस्या समाधान, रक्षात्मक यांत्रिकता है, व्यक्तिगत विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप टेंशन को कम करने की बात करते हो, ठीक है जी, तो टेंशन को कम करने के लिए रक्षात्मक यांत्रिकता, मतलब पहले से ही आप अगर तैयार हैं, आप अगर पहले से ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो वो आपको बाद में टेंशन नहीं देने वाली। तो ये कहते हैं पहले से ही हम रक्षात्मक रूप अपना लें, या रक्षात्मक यांत्रिकता को अपना लें, कि जिससे कि तनाव जो है हमारा कम हो सके, या तनाव देखने को ही ना मिले। तो दोस्तों रक्षात्मक यांत्रिकता जो है वो अप्रत्यक्ष ढंग में कहलाता है, जबकि समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, और जो इंडिविजुअल मेथड है यानी कि व्यक्तिगत मेथड, वो हमारे डायरेक्ट मेथड में आते हैं। किस में आते हैं, ये आपका प्रत्यक्ष है, जबकि जो पहला पॉइंट है और जो तीसरा आपका ऑप्शन, ये आपके प्रत्यक्ष या डायरेक्ट आपके जो वे हैं, तरीके हैं तनाव को कम करने के, उसमें शामिल होते हैं। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में भेद का परिणाम क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा सवाल दिया है। तनाव जो है मस्तिष्क की संरचना या कृत्यों में विभेद का परिणाम है, पिछड़ापन है, डिसलेक्सिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब आप चौथे को सवाल की बात करते हो, चूँकि आप पढ़ करके क्या आए हो, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना भी आंसर ऐसे में कर रहे होंगे,
मैं आपको बता दूं, आप पढ़े हो डिसलेक्सिया के बारे में। डिसलेक्सिया आप कह देते हो पठन में विकार, पढ़ने में विकार। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यहाँ पर थोड़ा और डीप में जा करके आपसे पूछ लिया है और ये कह दिया है कि मस्तिष्क की संरचना या कृत्यों में विभेद। एक बात बताइए, अगर आप पठन की प्रक्रिया को संपादन का संपादन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क की संरचना पर उसकी डिपेंडेंसी होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली पूरी तरीके से डिपेंडेंसी होगी। अगर आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क सही तरीके से काम कर रहा है तो आपकी पठन की प्रक्रिया भी सही तरीके से होगी। अगर मस्तिष्क सही है तो कृत्य जो काम किए जा रहे हैं वो भी सही तरीके से होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वो चौथे का तीसरा आएगा, ठीक है जी। तो आंसर में डिसलेक्सिया आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि पठन विकार लिखे, अगर मस्तिष्क की संरचना या कृत्य में विभेद लिखता है तो भी डिसलेक्सिया आपके आंसर में आपको देखने को मिलेगा। पाँचवें सवाल में दिया हुआ है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि दिया है कहाँ से कहाँ तक होती है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में, ग्रसित की श्रेणी में आप उन्हें रखते हो। आपको मैं बता दूँ, जिन बालकों का इंटेलिजेंस कोशेंट यानी कि IQ 70 से कम होता है, 70 बिलो 70 होता है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से पहला आएगा। आप ए लिख दो, फर्स्ट लिख दो, जो भी लिख दो आप यहाँ से। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, अधिगम में ये जो प्रभाव का नियम है, जब आप लर्निंग को लेकर के बात करते हो तो ये जो प्रभाव का नियम है किसके द्वारा दिया गया है? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना आंसर भी यहाँ पर दे दिए होंगे। अगर मैं बात करूँ अधिगम में प्रभाव के नियम को लेकर के, तो आपने थॉर्नडाइक का जो अधिगम का नियम है वो आपने पढ़ा होगा। प्राथमिक नियम यानी कि प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग में इन्होंने 3 नियम बताए हैं। वहीं जब आप सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग की बात करते हो, द्वितीयक नियम या फिर जिसे गॉड नियम भी बोलते हैं अधिगम का, उसमें इन्होंने 5 नियम बताए हैं। तो प्राथमिक नियमों में ही एक प्रभाव का नियम देखने को मिलता है थॉर्नडाइक की आप लॉज की जब बात करते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो 6 का 4th आएगा। दोस्तों आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उस लिंक से आप ज़रूर जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, जिससे जो भी वीडियोस लिंक्स होती हैं, वीडियोस की आपकी PDF फाइल्स, कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो वहां पर मैं डायरेक्ट भेज दिया करता हूं। अगर आपको कोई चीज़ खोजने में नहीं मिल रही है तो आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, तो उससे आप ज़रूर जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अदरवाइज़ टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करके इलेक्ट्रॉनिक स्टडी सर्च करिए और वहाँ पर सर्च करके आप ज्वाइन हो जाइए। आगे बढ़ते हैं इसमें। 7वां सवाल लिखा हुआ है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन कौन से होते हैं? अवधान को आप अटेंशन बोलते हो, इसे ही आप ध्यान भी कह देते हो। तो यहाँ पर आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारकों के बारे में पूछा है। रुचि है, लक्ष्य है, अभिवृत्ति है, उद्दीपक है, वस्तु है, प्राविधि, प्रकाश, ध्वनिगंध, पुरस्कार, दंड या प्रोत्साहन। जब आप अटेंशन की बात करते हो, मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि अगर कोई बच्चा ध्यान करना चाह रहा है कहीं पर, या उसका ध्यान कब केंद्रित होगा, अगर उसे इंटरेस्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टडी से कुछ भी पढ़ने को लेकर के, CDP सब्जेक्ट को पढ़ने को लेकर के अगर आप में रुचि है तो आप ध्यान ज़रूर लगाओगे यहाँ पर। अगर आपका लक्ष्य है CTET पास करना तो आप ध्यान ज़रूर लगाओगे। एटीट्यूड है आप में कि हाँ ठीक है, अभिवृत्ति को बोलते हैं, आदत कह लो आप, अगर आप में आदत है, अभिवृत्ति है, तो आप ज़रूर ध्यान लगाओगे। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो पहला आएगा। उम्मीद करते हैं कि इन ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन कैसे होगा वो आप यहाँ से समझे होंगे। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बच्चे हैं उनके बारे में बात की है और ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और जो जो वह बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। आगे दिया है, खाली बर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान जो है भरा जाता है। इन्होंने बोला है, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, या फिर जिज्ञासु प्राणी होते हैं। आपने देखा होगा जो, चूँकि यहाँ पर बच्चे बोला है, अब ये इन्होंने नहीं कहा कि आप प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात कर रहे हो, यहाँ पर प्राइमरी की बात कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है, जब कुछ भी ना दिया हो तो आप प्राइमरी कंसिडर करते हो और वहाँ पर आप ये सोचते हो। अब मान लीजिए किसी भी स्तर का आप ना सोचें, आप प्राइमरी, और ख़ासकर अगर प्राइमरी सोच भी रहे हैं, तो ऐसे में आपने अपने घर में भी देखा होगा बच्चों को कि मम्मी ये कैसे होगा, मम्मी ये क्यों हो रहा है, मम्मी वैसा क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों नहीं है, मतलब उनमें जिज्ञासा होती है उन चीज़ों को जानने को लेकर के, अपने भाई से, बहनों से, पिताजी से, मम्मी से, माताजी से, सभी से वो चीज़ें पूछ रहा होता है। तो आप ये कहोगे कि जो बच्चा है वो जिज्ञासु प्राणी है, ऐसे में यहाँ पर
जो अपने चारों ओर की जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों क्षमताओं का क्या करता है, प्रयोग करता है कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, आप समझ रहे हो। तो जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो चौथा आएगा। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन करेक्ट है, यहाँ पर पूछा है बच्चों की त्रुटियों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बच्चों की त्रुटियाँ उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। आपको यहाँ पर जितने ऑप्शन हैं, कभी कभी होता है कि आपको आंसर तुरंत मिल जाता है, आपको आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आपको बहुत अच्छे से पता होगा जब भी हम सीखने या लर्निंग को लेकर के बात करते हैं और उसमें त्रुटियों की बात करते हैं, तो जो त्रुटियाँ हैं, जो मिस्टेक्स हैं, फॉल्ट्स हैं, वो सारी की सारी लर्निंग के पार्ट में ही शामिल होती हैं या आती हैं। मतलब त्रुटियाँ सीखने की प्रक्रिया का एक अंग होती हैं। तो आपको कहीं भी जाने की और ज़रूरत नहीं किसी ऑप्शन पर। आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ से पहला हो जाएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। अगर आप जेंडर बायस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि ये लड़का है लड़कियों को थोड़ा, ये लड़का है इसको ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, लड़की है इसको प्राथमिकता देने की ज़रूरत नहीं है, प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, तो इन सब चीज़ों से बचने का एक सबसे बेस्ट उपाय क्या हो सकता है। तो पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, एक ये पॉइंट लिखा है। विद्यालय में लिंग भेदभाव दूर करने के लिए नियम बनाना और उनका सख्ती से पालन करवाना। कहीं भी सख्ती वाली बात आएगी आंसर गलत होगा, ध्यान रखिएगा। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन करना, ये अपेक्षा वाली बात कहना गलत होगा, क्योंकि आप दोनों को तो समानता की बात कर रहे हो, तो अपेक्षा में तुलना में संख्या ज़्यादा क्यों करना। फिर हम बचते हैं पहले और चौथे पर। एक तो लिखा है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, और एक लिखा है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। ध्यान दीजिएगा, पॉसिबल नहीं होता है कि हम पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या को समान रख पाएँ। आपने देखा भी होगा, कहीं आपको महिलाएं ही देखने को मिलेंगी, कहीं पुरुष मिलेंगे, कहीं महिलाएं हैं दो तीन तो पुरुष एक ही हैं। ये संख्या समानता, मतलब जैसे अभी की मैं बात करूँ, आपके भारतीय संविधान में भी समानता की बात की गई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि समानता की बात सभी में देखने को मिलती है? नहीं मिलती, बिल्कुल से नहीं मिलती। आप प्रैक्टिकली देखोगे बिल्कुल से समानता इक्वलिटी की बात नहीं है, है ना। तो ये चीज़ें आपको वहाँ से देखने को मिलेंगी। समान संख्या कहना कहीं ना कहीं गलत होगा, लेकिन शिक्षकों का उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, किसी के साथ में भेदभाव, जेंडर बायस की बात की जा रही है, तो अधिसंज्ञान लेना, अधिसंज्ञान मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग में लाना, अपने नॉलेज में लाना, एंड आफ्टर दैट उस पर जो है एक्शन लेना, उस पर काम करना कि कोई भी अगर इसमें गड़बड़ी कर रहा है, छात्र जो क्लास में है या कुछ भी है, तो शिक्षक या टीचर क्या करता है, उस पर अधिसंज्ञान लेगा, उसको समझेगा, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेगा। तो आपका जो यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा वो चौथा आएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में यही 10 क्वेश्चन, अगला सेट आपका आपको जल्दी ही मिलेगा। लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट ज़रूर करें अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए। मिलते हैं आपसे हम जल्दी ही एक और लेक्चर के साथ में। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए।